नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। कटक रे मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा प्रसंग काली कटक रे बीजेपी रा 12 घंटिया बंद रे समस्त पूजा कमिटी सामिल हेबा पई निवेदन सबडे भर्तुआरी को मंतव्य प्रसंग रे देवाशीष का प्रतिक्रिया कहले सांसद का बयान कटक रे सृष्टि करिछि विभ्राट। बाहरीन्द्र ओडिया युवक निर्यातित 10 घंटा बदल में खटाऊ 14 घंटा खावा पीवा को नदेवास देकथन निर्यातना फसी रही गंजाम और खोर्धार अनेक युवक। धौली डेलीवर बॉय को अपहरण अभियोग दया नदी रास्तार मिला चपल ब्याग गंजी और छुरी अपहरण नहीं परिवार लोकों वॉइस मेसेज देले अपहरणकारी पुलिस तदंत जारी। वेल मार्क्ड लो प्रेशर रे परिणत होला लघुचाप प्रभाव रे राज्य अधिकांश स्थान रे छेचुची वर्षा आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा ने 8 जिला को ऑरेंज और 9 जिला को येलो वार्निंग जारी। टोक्यो पदक वीरों को भेटिले प्रधानमंत्री मोदी अनुभूति बांटिले पारालंपिक्स चंपियन निज मुहरे बखाणिले सफलतार कहानी देश को फेरवा पर पदक वीरों को चारिआड़ी मिलुछे विपुल स्वागत संवर्धना। संबलपुर दानीपाली हत्या घटना 10 अभियुक्तों को गिरफ कला ऐंठापाली पुलिस हीराकूद और टाउन थाना अंचल में 2टी टीम चढ़ाऊ गोष्ठी संघर्ष को नहीं सौम्य को गोड़ाई गोड़ाई हत्या करते हत्याकारी। राज्य में 24 घंटे 649 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 235 क्वारंटाइन 381 और लोकाल केस 268 18 वर्ष कम संक्रमितों संख्या 103 पुणी 6 जीवन नेला महामारी। सारा देश में आरंभ है एनईटी यूजी परीक्षा कोविड गाइडलाइन माध्यम रे होई स्वतंत्र व्यवस्था 3862 केन्द्र में परीक्षा देउछंती 16 लक्ष अधिक छात्र छात्री। देखवा संपूर्ण खबर कटक रे मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा प्रसंग आसंता काली 12 घंटिया कटक बंद डाकरा देछि बीजेपी बंद रे समस्त पूजा कमिटी सामिल हेबा पई निवेदन करिछंती वरिष्ठ बीजेपी नेता समीर दे दाबी पूरण न होबा जाय आंदोलन जारी रहियो बोली बीजेपी चेतावनी देछि सरकार यथाशीघ्र निष्पत्ति नेबा पई दाबी करिछि दल। आम सर्वसाधारण को समस्त को अनुरोध करुचु जे भाईचारा सहर ये सहर ऐतिह संस्कृति परंपरा जो विगत दिन में हो आसी वर्षक 10 मास सरकार शासन करती किंतु गणेश पूजा पाखु कार्तिकेश्वर पूजा पर्यंत साईर मुरबी माने कटक सहर दायित्व निज कांध को नियंती तेणु ए दृष्टि मुरबी मानू जपरी भाव अपमानित करागला जपरी तांकु डाकिकिरी भुवनेश्वर रे सरकार तांको कथा शुणिले जदि न शुणिले शुणिले ताले कहीं डाकुले जो अपमानित करिसंती भारतीय जनता पार्टी बंद डाकरा आसंता काली सेतपई देछि निश्चित भाव में सकाळ 6 रु संध्या 6 पर्यंत बंद रहिबो एवं सर्वसाधारण लोक एवं समस्त पूजा कमिटी शांति कमिटी समस्त हमें अनुरोध करछु तांकर कर्मकर्ता को जे आपण माने मध्ये एथिरे शामिल होंतु। सबडे कटक रे दुर्गा पूजा को नहीं कटक सांसद भर्तुहरी महताब का मंतव्य प्रसंग मुहामुही स्थिति को आसिले बीजेडी रा 2 नेता भर्तुहरी महताब और देवाशीष सामंतराय भर्तुहरी का वक्तव्य को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी नेता देवाशीष सामंतराय से कहिछंती भर्तुहरी का मंतव्य कटक रे विभ्राट सृष्टि करिछे तांकर एभली कहिबा ठीक नहे राज्य में कोविड संक्रमण को देखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नहींचंती बोली देवाशीष सामंतराय कहिछंती। यहा पूर्वरु कटक सांसद केउठी थिले हठात गतकाली बैठक को आसी एभली मंतव्य को प्रश्न करिछंती बोली प्रश्न कले बोली कहिछंती देवाशीष सामंतराय। गतकाली शांति कमिटी बैठक में सांसद भर्तुहरी महताब कहिथिले मूर्ति उच्चता पर राज्य सरकार को पुणी थे प्रस्ताव दिजाव एने मुख्यमंत्री आलोचना करे भर्तुहरी मूर्तिर उच्चता सामान्य होवार आवश्यकता रही है परदा आबद्ध कोहल करा जाऊ
पुनर्विचार पर प्रस्ताव दिया 16 तारीख भितर सरकार निष्पत्ति आसवार आवश्यकता रही कोविड कटकणा भितर पूजा कराजाउ बोली कहिथिले भर्तुहरि महताब। लोकों पर गोटे निष्पत्ति ने कि तृतीय लहर कोविड न आसु एवं मुख्यमंत्री बाध्य न हूँ गोटे लॉकडाउन आणिकी लोकंर जीविका उपर कौन आँच आने से जन विज्ञ सांसद कहीं बुझीपार ना मुझेपर सी जेबेठू पूजा कमिटर बैठक है जेबेठू इश्यू धरला सांसद कौटि भी देखा देना कौटि भी तर उपस्थिति कौन सी मीटिंग रे कोटी भी नथला कटक सहर थेले कि नथले सीए मध्ये डाउट काली हटात आसिकिरी एभली कहिकिरी गोटे कटक समाज रे गोटे विभ्राट सृष्टि कला परी मत दबाटा उचित हैनी तांकर मु भाबुछ। विदेश रे ओडिया युवक निर्यातित बाहरीन रे ओडिया युवक माने निर्यातनार शिकार हेउछन्ते निज देश को भिटामाटी को फेरी आसिबा पई आकुल निवेदन करुछन्ते। खोर्धा जिलार बालुगाँ बाणपुर और गंजाम जिलार खल्लीकोट अंचल युवक माने सेठारु एक वीडियो करी पठाई जो चुक्तिनामा ओडिया युवक माने विदेश जाते सेठे ताहा पालन कराउन अभियोग प्रतिवाद कले क्या अमानुषिक भाव माड़ मरा तो पुणी कह तंटी कटा जा अभियोग स्वदेश फेर को उभय केन्द्र और राज्य सरकार को गुहारी कर लोगा क्या में ऐसा चल रहा है भाई देखो आदमी कोई भी नहीं है पूरा पूरा आदमी देखो ऐसा कर रहे हैं ये लोग मार मार के ऐसा मार देगा आदमी लोग को इधर एक एक को भाई बचाना है बचा लो इधर हम लोग को इंडिया भेज दो हमारा मोदी सरकार। सब चिलिकार सुबुद्धि पटना गांव प्रीतम नंद बाहरीन में निर्यातना सही नपारे एक वीडियो फुटेज जारी करते पुलिस द्वारा ओडिया श्रमिक मैंने भोकोपास रहा सहित नाकाबंदी हो रही जमापड़े सतमास पूर्व ओडिया श्रमिकों काम आशार सुदूर बाहरीन को जाते 10 घंटा कमर पारिश्रमिक खावा पीवा खर्च देवाई प्रतिश्रुति दि जाता किंतु से 14 घंटू अधिक समय कम कर खावा पीवा दिगला फल भी सेठे अनेक श्रमिक फसी रही बेले कंपानी विरोध में अनशन जारी रखी ए होची खोर्धा जिला बालुगां थाना अंतर्गत सुबुद्धिपाटना गाँ जो गाँव रु किसी युवक सुदूर दुबई स्थित बेहरेन को जाते सेठी को जो भाई भाव में कंपानी देखा चुक्ति करी से चुक्तिनामा बाहर को जाई से हईराण हरकत करने अकथन निर्यातना देड़ मारी कहार तंटी काटी तो कहार हाथ गोड़ भांगी वीडियो भाइराल होगा आम बर्तमान तक गाँव में आसी पहुँचू पर लोक अच्छा सीधा सख पर सहित आलोचना करवा कौन कह आज्ञा आपणकर जो पु जा दुबई बेहरान की जाती कि भाव से निर्यातना करेटी सब प्रकार असुविधा हो मो पु अरुण कुमार साहू बेहरान जीवार आज की देढ़ मस है सेठी कंपानी रे गोटे गैस लिकेज होता तेणुक ये कंप्लेन कंपानी करते आम अन्न जगह को नहीं जा सी से अन्न जगह को न नहीं जबरदस्ती कम को डाकिला से कम को भी जाती आतक लोक थे बाड़िया बाड़ी कर हाथ गोड़ भांगी खाया पीवा को नद जगाजगी करी बड़ हईरा कर तेणुक पु कि गाँव को आस बोली मोर ओडा सरकार को मैं आपत्ति जनाऊँ मुझे सीता कहते पु कि भाव में सुरक्षित अवस्था निज अंचल को फेरी आसू से सरकार राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को दुख जनईं आज्ञा आउ गोटे सब बड़ प्रश्न जो कोविड समय चलता राज्य सरकार कहते श्रमिक मानक ओडिशा राज्य में कम दे कि सरकार बोध कम दबार विफल होती आप विदेश गला ए ना कौन हाँ से कम जब ओडिशा मिली था पु पाने बाहर देश को जा न था कम तो ओडिशा मिललानी आस कौन चल कि तेणुक बाहर देश जावाक बाध्य हईरा हो कौन बाहर देश जा निश्चित भाव से जहाँ प्रतिक्रिया रखुते से जी ओडिशा राज्य सरकार से कर्म दे था ये तेज़े से हे तो बाहर को जा न था कि निर्यातन शिकार होता है तक माँ आम पाखे अच्छा आसत सहित भी आलोचना करवा कौन कह आज्ञा आपण पु जो जा बाहर को कते दिन है जाती कि भाव में निर्यातना दि जा मो पु देस बाहर को सेठी तो गंडगोल माड़गोल से बाड़ाबाड़ी करछन्ती स्टाफ माने काई की कौन माने कौन असुविधा कौन से काई गैस गैस प्लांट भितरे कैंप करथि ए माने स्ट्राइक करथिले कैंप अलग जगह को न पाबो
ସେଥିପାଇଁ କାମକୁ କାମ ବନ୍ଦ 3 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ କାମ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଉ, କାହାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତ କାହାର ବେକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛି? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ବେକାର ଘରକୁ ଆସ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍, ଆଗକୁ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଦମଦାର ଖବର, ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ଧଉଳିରେ ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ଚପଲ, ବ୍ୟାଗ, ଗଞ୍ଜି ଓ ଏକ ଛୁରୀ ଦୟାନଦୀ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅପହରଣକାରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ମେସେଜରେ ଅପହରଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଧଉଳି ଥାନାରେ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ଘର ଧଉଳି ଥାନା ବିଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୁଜରାଟରେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କାହାକୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନୂଆ ନେତା ଚୟନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର ଓ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ସେମାନେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନୂଆ ନେତା ଚୟନ କରାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ନୀତିନ 2016 ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଗୁଜରାଟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, 2001ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 6 ଥରର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ନୀତିନ ପଟେଲ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପି ଦପ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଣ୍ଡଭିଆ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ସି ଫାଲ୍ଦୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପାଲାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଗୁଜରାଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ସେପଟେ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଜରାଟରେ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର ଏବଂ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପଦକ ବୀରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ ଖେଳାଳି। ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ଙ୍କୁ ମୋହରୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଟୋକିଓରେ ଚମକି ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ ପଦକ ବୀରଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଭେଟି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଟେବୁଲକୁ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏ ଅବସରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଶର ରାଜଦୂତ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ଦେଶର ନାଁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପରାକ୍ରମରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆପ ସେଲିବ୍ରିଟି ବନ୍ ଗଏ ହେ, ଆପକେ ପରିବାରଜନ ମେ, ଆପକେ ଗାଁ ମେ, ସମାଜ ମେ ଆପକୋ ଆପକି ତରଫ ଦେଖନେ କା ନଜରିଆ ବଦଲା ହେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ। ଔର ଓ ଆପକି ତପସ୍ୟା କେ କାରଣ ଆପକେ। ନମସ୍ତେ ସାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। 2020 ମେ ପାରାମେଡିକ ଇନକ୍ଲୁଡ କିଆ ଗ୍ୟା ଔର ତବ୍ବି ବି ମେ ବହୁତ ତୈୟାର ଥା କି ମେ ଯାଉଙ୍ଗା ଔର ଡେଫିନେଟଲି ଅପନେ ଦେଶ କା ନାମ ଔର ଝଣ୍ଡେ କୋ ଉପର ଲହରାତା ହୁଆ ଦେଖୁଙ୍ଗା। ମେରି ଏକ ବହୁତ ସପନା ଥା କି ମେ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଲୁ। ତ ଓହି ଚିଜ ହେ କି ଅଗର ଆପ ଦିଲ ସେ ଚାହୋ ତୋ ପୁରୀ କାୟନାତ ଜୁଟ ଜାତି ହେ ଓ ସପନେ କୋ ପୁରେ କରନେ କେ ଲିଏ। ତ ଓହି ଥା ସାର୍, ମେନେ 2021 ମେ ଅଭି ମେନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କିଆ ଔର ଅପନା ଔର ଦେଶ କା ଔର ଅପନେ ପୁରେ ଭାରତ କା ଝଣ୍ଡା ପୁରେ ବିଶ୍ୱ ମେ ଲହରା ପାୟା, ୟେ ମେରେ ଲିଏ ଖୁସନସିବୀ ହେ। ଔର ସାର୍, ୟେ ସବ କୁଛ ହୋ ପାୟା ଆପକେ ଯୋ
शब्द है, क्योंकि आपके शब्द और आपके जो चेहरे के तेज है सर, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं फैमिली में या हमारे गांव में, तो आपका तेज देख के हमको ये लगता है कि नहीं सर ये बोल रहे हैं। प्रमोद, आपने जो कहा कि तेज, ये मैं तो स्वयं प्रकाशित नहीं हूँ, मैं पर प्रकाशित हूँ। तो 130 करोड़ देशवासियों का जो तेज है ना, वो मेरे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है, मेरा नहीं है ये। आशाप्रद खोर को कांग्रेस को बड़ झटका। उत्तराखंड कांग्रेस विधायक राजकुमार दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी जोग देते। पुरोल विजय होता कांग्रेस विधायक दिल्लीर बीजेपी कार्यालय वरिष्ठ बीजेपी नेता उपस्थित दलर सदस्यता ग्रहण कर अवसर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दुबई में गणेश पूजा पालन हरिजन इंटरनेशनल स्कूल में गणेश पूजा पाली प्रवासी ओडिया ओडिया समाज यूएई पक्षर गणेश पूजार आयोजन कोविड गाइडलाइन अनुसार एथर पूजा हो प्रतिवर्ष ओडिया समाज यूएई पक्षर गणेश पूजा और रथयात्रा पालन होता है गत वर्ष कोविड पई पूजा बंद रही पुणी मातिले साइबर लुटेरा आखि पिछुलाखे उड़ीगला देढ़ लक्ष टंका साइबर ठक पाखे आगुरु बैंक तथ्य प्रथमे एक फोन कले तापरे बैंक अकाउंट तथ्य पचारे पर एकाधिक ट्रांजाक्शन रे कटिगला देढ़ लक्ष टंका भुवनेश्वर साइबर थाना रे एने एक मामला रुजु होइछे। वेलमार्कड लो प्रेसर में परिणत हो उत्तर पूर्व बंगोसागर सृष्टि होता लघुचाप यह वर्तमान अधिक घनीभूत हो आगामी 24 घंटे यह अवपात रूप नहीं पारे दुई रु तीन दिन में यह उत्तर ओडिशा अतिक्रम कर संभावना रही है तेज लघुचाप प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में मेघुआ पाग प्रबल वर्षा लगि रही आहुरी तीन दिन वर्षा जारी रहा एथिपाई आठटी जिला ऑरेंज और नौटी जिला येलो वार्निंग जारी करणिपाग केन्द्र पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल जाजपुर और भद्रक जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी हो देखो गत काली लघुचाप घनीभूत एवं वेलमार्क लो प्रेशर एरिया सुदृश लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो वर्तमान जो स्थिति रोचे उत्तर पश्चिम तत्संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल सक्रिय रही सहित जड़ित जो घूर्णीबल रोचे समुद्र पतन ठार 7.6 किलोमीटर पर्यंत सक्रिय रही जहाँ अनुमान कर आगामी 24 घंटे आहरी घनीभूत हो अवपात रूपातरित होवार संभावना रोचे ता सहित यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर ओडिशा और उत्तर छत्तीसगढ़ अंचल को अतिक्रम कर संभावना रोचे जो प्रक्रिया आगामी दुई दिन रु तीन दिन पर्यंत र ता प्रभाव जो देखा आम आज और आसंता का 12 और 13 तारीख में सर्वाधिक प्रभाव रजि आमर जो आठटी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा वर्षा वर्तमान जो रोच खोर्धा आमर तापर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा ता छड़ा आम जब देखा जो पूरी यही सब जिले में आपणकर उपकूलवर्ती जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करा छड़ा 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करा संबलपुर दानीपाली हत्या घटना 10 अभियुक्त को गिरफ्त कला ऐंठापाली पुलिस पुलिस पक्ष दुईट स्वतंत्र टीम गठन हीराकुद टाउन थाना अंचल चढ़ाऊ कर नुआखाई दिन दानीपाली अंचल में घटी जघन्य हत्याकांड दानीपाली सौम्यरंजन बारों सह पड़ार किसी युवकों गोष्ठी संघर्ष होता जहाँक नहीं पर सौम्य को गोड़ाई गोड़ाई हत्या कर घटनार तदंत कर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त कर राज्य में 24 घंटे चिन्हट हो 649 जन कोरोना आक्रांत क्वारंटाइन 381 और लोकाल केस 268 रही है सेमानक मध्ये 18 वर्ष कम वर्ग में 103 जन आक्रांत चिन्हट होती यह संख्या किछि दिन हेबो 100 ऊपर रही जहाँकि समस्त चिंतार कारण पलटिछे आज चिन्हट आक्रांतों मध्य खोर्धु सर्वाधिक 235 चिन्हट होता बेले कटकु 84 बलांगीर 5 गंजाम 5 जगतसिंहपुर 37 जाजपुर 30 जन संक्रमित चिन्हट होते सेपटे गत 24 घंटे 6 जन जीवन नहीं महामारी कोरोना
ସଫଳତିଖୋର କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି 217 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍, ପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘର ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍, ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଞ୍ଜିଆ ଗୋପାଳ ସମାଜସଭା ଗୃହ ଆଗରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କିଛି ସମୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସିଗଲେ ଯୁବକ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଦାପାଳ ଗାଁରେ। ଅଦାପାଳ ଗାଁରେ ପ୍ରବାହିତ ଦେଓ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଗତକାଲି ଗୋରୁ ନେଇ ଅଦାପାଳ ଗାଁର ମୁସୁ ହେମ୍ରମ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା। ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ମୁସୁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିପାରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଗତକାଲି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାଜକୁମାର ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରଲରୁ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଦନ କୌଶିକ, ଅନିଲ ବାଲୁନି, ଜାତୀୟ ମିଡିଆ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। उनकी संवेदनशीलता, उनकी दुधारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आदरणीय धामी जी और कौशिक जी ने उनके बारे में वर्णन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष लगाव देवभूमि के साथ है। आने वाले चुनाव में हम फिर डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून दोनों जगह पे मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव वहां जीतेंगे। राजकुमार जी की आज की पार्टी में ज्वाइनिंग उस दिशा में एक बड़ी संकेत है। मैं पार्टी में राजकुमार जी को स्वागत करता हूँ। समस्त अर्गस अपडेट को मत विदाय दियंतु। नमस्कार।